आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मोदी सरकार से मध्यम वर्ग है नाराज, बजट में मध्यम वर्ग को मिल सकती है कुछ राहत। मंत्रियों के कार्य व्यवहार से कांग्रेस संगठन खफा, कमलनाथ ने कहा मेरा तो गृह मंत्री ही लापता। एमपी के वाणिज्य कर मंत्री बिजेंद्र सिंह राठौर का बयान, बीजेपी ने बनाया किसानों को कर्जदार। ट्रेन में सोने का सौदागर पकड़ा गया, दर्जनों सोने के कंगन बरामद। और साधु के भेष में करते थे लूट, शातिर लुटेरों का गैंग पकड़ा गया। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। इस बार आम बजट में मध्य वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। केंद्र की मोदी सरकार से मध्यम वर्ग खासा नाराज है। इसका खामियाजा मोदी को लोकसभा चुनाव में ना भुगतना पड़े, इसके लिए मध्यम वर्ग को साधने के लिए बजट में कुछ खास प्रबंधन किए जा सकते हैं। साल 2014 के आम चुनाव से पहले अरुण जेटली ने कहा था कि सालाना 5 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री होना चाहिए। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और प्रधानमंत्री मोदी ने जेटली को वित्त मंत्री बनाया। हालांकि चुनाव से पहले वाला जेटली का बयान कोई वादा नहीं था, लेकिन उन्होंने इतना तो कहा ही था कि क्या कुछ होना चाहिए जो नहीं हो रहा है। दिलचस्प यह है कि वे देश के वित्त मंत्री के तौर पर अपना मौजूदा कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं और अब तक वैसा नहीं हुआ जैसा उन्हीं के मुताबिक होना चाहिए था। जाहिर है अगले चुनाव से ठीक पहले सरकार पर व्यक्तिगत करदाताओं को राहत देने का दबाव है। डेलाइट इंडिया के पार्टनर होमी मिस्त्री का कहना है कि टैक्स छूट की सीमा में कुछ बढ़ोतरी की जा सकती है। मिस्त्री के मुताबिक चूंकि यह पूर्ण बजट नहीं बल्कि लेखानुदान है, लिहाजा आसार यही है कि बहुत ज्यादा छूट की घोषणा नहीं की जाएगी। फिर भी छूट की मौजूदा सीमा 50,000 रुपए के आसपास बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल जिन व्यक्तिगत करदाताओं की आय सालाना 2.5 लाख रुपए तक है, उन्हें इनकम टैक्स नहीं चुकाना होता। ज्यादातर आर्थिक विश्लेषकों का अनुमान है कि टैक्स छूट की सीमा में कुछ बढ़ोतरी की जा सकती है। हालांकि इस मामले में बहुत सारी छूट की उम्मीद नहीं है। दरअसल इस बार वित्त मंत्री को दोहरी चुनौती का सामना करना है, एक तरफ सरकारी घाटे काबू में रखना और दूसरी तरफ आम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार राम भरोसे चल रही है। कांग्रेस संगठन को लगातार मंत्रियों की शिकायतें मिल रही हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ को कहना पड़ रहा है कि मेरा तो गृह मंत्री बाला बच्चन ही लापता है। इससे जाहिर है कि कांग्रेस और संगठन में कुछ भी ठीक नहीं है। वक्त है बदलाव का नारा देने वाली कांग्रेस का वक्त क्या बदला। मध्य प्रदेश की सरकार भगवान भरोसे हो गई। कई गुटों में बटे कमलनाथ मंत्रिमंडल का हाल ये है कि हर मंत्री अपने गुट के आका को रिपोर्ट करने पहले जाता है और कमलनाथ को बाद में। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया को तमाम कांग्रेसियों ने शिकायत की कि मंत्री हमारी सुनते नहीं हैं। उनका व्यवहार भी बेहद घटिया है। सूत्र बताते हैं कांग्रेस के एक भी मंत्री को लेकर किसी ने भी सकारात्मक बातें नहीं कही। इसके बाद दीपक बावरिया ने इस सबकी शिकायत मुख्यमंत्री कमलनाथ से की। कमलनाथ ने सभी मंत्रियों की रिपोर्ट तलब की है। हालांकि मंत्रियों की शिकायत मिलने पर कमलनाथ ने कहा मेरा तो गृह मंत्री बाला बच्चन ही लापता है। उन्होंने कहा मंत्रियों को खुद अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। मंत्रियों का व्यवहार और आचरण लोकहित में होना जरूरी है। सूत्र बताते हैं कांग्रेसियों ने 26 मंत्रियों को लेकर शिकायतें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तक को भेज दी है। एक महीने में ही कांग्रेस के कुनबे में कलह मच गई है। एमपी के वाणिज्य कर मंत्री बिजेंद्र सिंह राठौर ने कहा किसानों को बीजेपी ने कर्जदार बनाया है। उन्होंने कहा किसानों को कर्ज दिए जाने में बड़ा घोटाला हुआ है जिसकी जांच की जाएगी।
वाणिज्य कर मंत्री बिजेंद्र सिंह राठौर ने कहा, प्रदेश के किसानों को बीजेपी ने कर्जदार बनाया है। बीजेपी की सरकार के दौरान ये कर्ज दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसान लोन मामले में यदि किसी तरह की लापरवाही या फिर फर्जीवाड़ा सामने आता है तो ऐसा करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। निश्चित रूप से ये बात केवल छतरपुर की नहीं है, ये टीकमगढ़ निवाड़ी जिले की भी बात आई है और भी जगह से शिकायतें आई हैं। मैंने जो है वहाँ कमिश्नर सागर को एक पत्र भी लिखा है इस संदर्भ में कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, जो सरकार की मंशा है कि आज के हिसाब से उस पैसे को मिलना चाहिए, उसके हम पक्षधर हैं और उसके लिए जो है निश्चित रूप से हम भी उसके जो भी जाँच में पाया जाएगा चाहे वो कितना भी प्रभावशाली हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। नहीं, अभी इस संदर्भ में चूंकि मेरी जानकारी में ये बात है नहीं, बकाया कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो उसका कर्तव्य है कि वो जनता के हित की बात करे और लोगों से मिले। अगर कहीं ऐसी बात पाई जाएगी कि नहीं उसके बावजूद भी जनता से संवाद नहीं है तो सरकार के पास सारे अधिकार सुरक्षित रहते हैं। राठौर ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो यही कांग्रेस की मंशा है। साधु के भेष में लूट करने वाली लुटेरों की गैंग को पुलिस ने धर दबोचा है। इन लुटेरे साधुओं से लूट का सामान और हथियार भी बरामद हुए हैं। छतरपुर के कोतवाली क्षेत्र में वकील के साथ लूट के मामले में पुलिस ने चार साधुओं को गिरफ्तार किया है। वकील जेपी बसेडिया जब मॉर्निंग वॉक करने जा रहे थे तभी अचानक एक कार में सवार होकर साधु के भेष में चार लोग उतरे और कट्टे की नोक पर वकील की सोने की अंगूठी और पर्स लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित वकील ने एडिशनल एसपी को लूट की जानकारी दी तो पुलिस तत्काल एक्शन में आई। फरियादी द्वारा डीसी एसपी के बंगले में जाकर के सूचना दी गई है। डीसी एसपी श्री कुबेर द्वारा जो है कंट्रोल रूम जिले के सभी थाना प्रभारियों को नाकेबंदी की कार्रवाई कराई गई और इस पर से नौगांव थाना प्रभारी द्वारा पीछा किया गया। वहाँ के एसडीओपी भी लगे रहे और इस तरह से सरखनपुर के पास में जाकर के वो मारुति गाड़ी और चार आरोपी जो सब ये लुटेरे जब टीकमगढ़ जिले की खरगापुर की तरफ भागे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए चारों लुटेरे दिखावे के लिए साधुगिरी करते हैं और यह गुजरात के रहने वाले हैं। पकड़े गए तथाकथित साधु के पास अवैध कट्टा और लूट का सामान जब्त किया गया है। वहीं इस मामले में लापरवाही बरतने पर गरौली थाना चौकी के सभी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बिलासपुर रेलवे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 72 नग सोने के कंगन के साथ एक युवक को पकड़ा है। यह युवक हावड़ा पोरबंदर ओखा एक्सप्रेस में हावड़ा से रायपुर के लिए सफर कर रहा था। ट्रेन के एसी कोच के अटेंडर और रेलवे पुलिस ने मिलकर इस युवक को रंगे हाथों पकड़ा है। हावड़ा पोरबंदर ओखा एक्सप्रेस में हावड़ा से रायपुर के बीच एक युवक पर ट्रेन के अटेंडर को कुछ शक हुआ। अटेंडर ने तुरंत रेलवे पुलिस को इसकी सूचना दी। रेलवे पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को धर दबोचा तो उसके पास भारी मात्रा में सोने के कंगन मिले। जब पुलिस ने सोने के कंगन की रसीद मांगी तो युवक के पास कोई भी कागजात मौजूद नहीं थे। गिरफ्त में आए युवक का नाम शोभित मुदलियार है और यह जबलपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला है। आरपीएफ ने जब्त माल की सोने की कीमत करीब 17 लाख रुपए बताई है। रेलवे पुलिस द्वारा इसकी जांच अभी जारी है। ये एक्चुअली हावड़ा हापा में बताया है और अटेंडेंट के पास था माल। लगभग इसमें अभी करीब करीब 500-550 ग्राम का उसके हिसाब से कागज रखा था उसमें 550 ग्राम सोना था करके ये बोला जा रहा है। लेकिन हमने जब इसको वजन करवाया तो 70 ग्राम के आसपास निकल रहा है और फर्दर कार्रवाई के लिए जीआरपी को दिया जाएगा इसको, क्योंकि हम लोग का उसमें मेन रोल रहता नहीं, तो जीआरपी का एक मेन रोल रहता है। ऑल इंडिया मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन से जुड़े मोबाइल वितरक अपनी समस्याओं और कारोबार में आ रही चुनौतियों से निपटने की रूपरेखा तैयार करने के लिए भोपाल में इकट्ठा हुए और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। मोबाइल फोन वितरकों के हित को संवर्धित करने के लिए ऑल इंडिया मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन की शुरुआत 5 दिसंबर को की गई और पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर सभी मोबाइल फोन वितरक अपने मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आए। ऑल इंडिया मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पहली बैठक भोपाल में आयोजित की गई जिसमें मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हिस्सा लिया। इस बैठक में AIMDA प्रतिनिधि के रूप में सुनील हरजाई शामिल हुए। सर्वप्रथम मैं ऑल इंडिया मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन की तरफ से सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। आज
हम लोगों का उद्देश्य, इस मीटिंग का उद्देश्य एक ही था, जिस प्रकार से हम लोग कई पिछले कई वर्षों से अपने व्यापार को सुचारू रूप से चला रहे हैं, परंतु धीरे धीरे हम लोगों को जो तकलीफ हो रही है ऑनलाइन की, जिस पर किसी भी प्रकार से कोई भी एजेंसी नहीं है जो इसको रेगुलेट करे, आज टेलीकॉम के लिए ट्राई है, शेयर मार्केट के लिए सेबी है, परंतु मोबाइल इंडस्ट्री के लिए ऐसी, मोबाइल हैंडसेट इंडस्ट्री के लिए ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जो इसके ऊपर देखे कि ऑनलाइन क्या हो रहा है, ऑफलाइन में क्या हो रहा है, किस किस रेट पे एक ही प्रोडक्ट अलग अलग रेट पे, जबकि हमारा संविधान कहता है सबके साथ एक जैसी और एक स्थिति में चले, एक प्रोडक्ट एक दाम, उसके बाद भी अलग अलग चल रहा है। तो हमारा आज पूरा व्यवसाय खतरे में, और ये व्यवसाय छोटा मोटा व्यवसाय नहीं, अगर इस प्रकार से पकड़ूं, जहां तक मेरा अनुमान है और मेरे पास जो आंकड़ा है, मध्य प्रदेश में हमारे इस व्यवसाय से 35 लाख लोग जुड़े हैं, 35 लाख आज अगर ऑफलाइन मार्केट ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, तो वो 35 लाख लोग भी बेरोज़गार हो जाएंगे, वो परिवार नष्ट होंगे, तकलीफ़ में आएंगे। तो मैं आपके माध्यम से सभी जो इस चीज़ को रोक सकते हैं उन लोगों से निवेदन करूंगा कि एक बार विचार करें, हम लोग भी इसी समाज के हैं और हम जो कार्य कर रहे हैं, हम जो व्यवसाय कर रहे हैं, उससे प्राप्त होने वाला कर समाज के हित में लगाया जाता है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो अभी FDI का जो डिसीज़न आ रहा है, जिसमें ऑनलाइन के ऊपर गवर्नमेंट डिसीज़न लेने वाली है, उसको डिले ना करें, उसको कंटिन्यू करें, ताकि हम लोग अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चला सकें। जो कि हमारा रोज़गार जो है खतरे में है, उस रोज़गार को बचाने की एक मुहिम हमने छेड़ी है। उस मुहिम के तहत मैं भोपाल में आया हूँ। लाखों लोग जो है बेरोज़गार हो रहे हैं और उनकी फैमिलीज बेरोज़गार हो रही हैं। अगर उस हिसाब से हम देखेंगे तो कम से कम देश की 25% आबादी इस ऑनलाइन की वजह से इफ़ेक्टेड है। अगर इसको नहीं संभाला गया समय रहते तो इस सब मौत, अकाल मौतें होंगी। जैसे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसे रिटेलर आत्महत्या करेंगे, उनकी फैमिली आत्महत्या करेगी, इसका सारा जो श्रेय जाएगा, जिस इसका जो सारा तकलीफ जाएगी वो गवर्नमेंट पे जाएगी, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी खतरे से खाली नहीं होगी, गवर्नमेंट भी चली जाएगी। तो मेरी समय रहते उम्मीद है और दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि इसको संभाला जाए, ऑफलाइन और ऑनलाइन को बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, ताकि हम सब काम कर सके और कमा सके खा सके। भोपाल में हुई इस बैठक में वर्तमान में आ रही व्यापारिक समस्याएं, ऑनलाइन कंपनियों से प्रतिस्पर्धा एवं अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में राज्य स्तरीय कार्यकारिणी भी गठित की गई। समय एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। भारत के गणतंत्र दिवस की सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष हमारा अच्छा संविधान के जो नियम है उसको हम सब नियम को पालन करें और देश हमारा उन्नति करे। दखल न्यूज के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की रेवावासी पाउडर की ओर से बहुत बहुत बधाई। आइडल सैलून की ओर से गणतंत्र दिवस की सभी शहर एवं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस राष्ट्रीय त्यौहार को सभी देशवासी बहुत उमंग और उत्साह से मनाएं। सबके साथ एक बार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइडल फैमिली सैलून की तरफ से सभी देशवासी और भोपाल वासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मधुरम ग्रुप की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और इसी तरह हम लोग साथ मिलकर संगठित होकर सर्वधर्म समभाव के भाव से आगे बढ़ते रहें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिलासपुर अमेचार बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा 14वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता 2018-19 27 जनवरी को शुरू हुई। इसमें सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, महिला पुरुष प्रतिभागी शामिल हुए। इससे पहले दिन ही इस प्रतियोगिता में काफी रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। बिलासपुर अमेचार बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा यह प्रतियोगिता 27 से 30 जनवरी तक चलेगी। यह प्रतियोगिता यूरोपियन इंस्टीट्यूट बॉक्सिंग मंच रेलवे स्टेशन रोड पर आयोजित हो रही।
रही है। बिलासपुर में होने वाले इस आयोजन के दर्शकों में काफी भीड़ नजर आ रही है। रेल परिक्षेत्र का यह अनूठा आयोजन है जो खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मंच प्रदान कर रहा है। 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्टार्टेक जन कल्याण शिक्षा एवं कौशल विकास संस्था नरसिंहपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में समाज सेवा व पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर सामाजिक कार्यकर्ता व पत्रकार अभय वानगात्री का सम्मान किया गया। स्टार्टेक संस्था के प्रेसिडेंट सुशील विश्वकर्मा व संचालक पुष्पेंद्र राजपूत द्वारा नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच नरसिंहपुर के जिला अध्यक्ष अभय बानगात्री को प्रशस्ति पत्र देकर पुष्पमालाओं के साथ सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों ने तमाम सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में संस्थान के छात्रों द्वारा देशभक्ति के गीतों पर रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। गणतंत्र दिवस के मौके पर शहीद हेमू कालानी एजुकेशनल सोसाइटी के शिक्षण संस्थाओं में तिरंगा फहराया गया। यहाँ विद्यासागर पब्लिक स्कूल में सिद्ध भाव ने तिरंगा फहराया। यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए। बैरागढ़ में गणतंत्र दिवस की धूम रही संत हिरदाराम गर्ल्स कॉलेज एमबीए कॉलेज एवं संत हिरदाराम नेचुरोपैथिक कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में 26 जनवरी का पर्व मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे कर्नल राजू किशनानी और कर्नल नारायण परवानी। 26 जनवरी के पावन पर्व पर हमारे राष्ट्रीय पर्व पर मैं सभी देशवासियों को और खास करके संत हिरदाराम नगर के वासियों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारा देश हमारा समाज आगे बढ़े और जो हमारी यूथ पावर है उसको हम एक्सप्लॉइट करें। वहीं मीठी गोविंद राम पब्लिक स्कूल एवं नवनिध हासुमल लखानी पब्लिक स्कूल में भी तिरंगा फहराया गया। यहां स्कूल द्वारा स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया। यहां दोनों स्कूलों के बच्चों द्वारा पीटी और मार्च पास्ट किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।